मुझे एक वाक्य याद आ गया। अधिराज मधुचंद हजूर की बारगाह में एक साहबी अंगूर का गुच्छा लाए, अंगूर का गुच्छा लाए, तो आपने दाना उठाया मुँह में डाला, अंगूर खट्टे थे। हजूर सारे अंगूर खाना शुरू हो गए। आपके मिजाज में नहीं था, आपके अंदाजे अंदाज में नहीं था कि आप अकेले खाते कोई चीज, लेकिन आज हजूर बांट दे रहे हैं, साबा मांग रहे हैं फिर भी नहीं दे रहे। बड़े बड़े हाथ बड़े, लेकिन हजूर ने किसी को ना दिया। जब वो उठ के चला गया तो साबा कराम रजमानुल्लाह ताला अजमेर को खातम उन्नबीशी रहमत अल्लाहमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशारा फरमाते हैं, मेरे साहबा आज भला अंगूर मैंने आपको क्यों नहीं दिए? कहा आका आप बेहतर जानते, क्यों नहीं दिए? आका हम तो मांगते भी रहे, हम तड़पते रहे, पता नहीं आका हमसे नाराज हो, आज अंगूर आपने दिए नहीं? कहा नहीं, वजह ये नहीं थी, वजह बस इतनी थी कि अंगूर खट्टे थे। अगर आपको देता तो आपने कहना हजूर ना खाइए, अंगूर खट्टे हैं। और अगर मैं उसे देता जो ले के आया था, उसने कहना था हजूर मेरी किस्मत का सौदा, मैं फिर कभी अपने आका के लिए ले आऊँगा, लेकिन हजूर अंगूर ना खाइए, अंगूर खट्टे हैं। हजूर फरमाते हैं मैं अंगूर तो खट्टे खा सकता हूँ, पर दिल खट्टा होता नहीं देख सकता। वो किसी ने क्या फूका कि वस्त्र उठा दे, मंदिर उठा दे, तो जो कुछ डल गई उठा दे, एक बंदे का दिल न ठामा, रब दीना विच रहंदे। तो दोस्तान ग्रामीण कदर हजूर को अखलाक लेके